अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का साइंस ग्रुप का मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका टॉपिक अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को स्टार्ट। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द एक्सप्रेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आइए शुरू करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को। 4x4 माइनस 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस के। आपने देखा, मैंने आपके सामने ये एक्सप्रेशन लिख लिया और इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करने लगे हैं ताकि के का आंसर फाइंड किया जा सके। आप देख रहे हैं स्टार्ट में 4x4 है, 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4x4 ये कैंसिल हो गया, माइनस 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस के। यू नो दैट हम 2x² का डबल करेंगे, ये 4x² बन जाएगा। अब देख रहे हैं स्टार्ट में माइनस है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ चाहिए तो माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे 4x² को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 12x³ आएगा, माइनस 3x को माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 9x² आएगा। इनके साइन चेंज कर दीजिए, ये भी कैंसिल। 37 में से स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 9 माइनस कर देंगे। 37 में से क्या माइनस कर देंगे, 9 माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा 28x² माइनस 42x प्लस के। उसके बाद आप देख रहे हैं हम इनका डबल करेंगे, 2x² का डबल और 3x² का डबल। 2x² का डबल 4x² हो जाएगा, 3x का 6x हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं प्लस लगेगा साथ, 4 के टेबल में 28 कब आएगा तो 7 टाइम्स आएगा। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28x² माइनस 42x प्लस 49। इनके साइन चेंज कर दें, ये दोनों कैंसिल हो गए, के माइनस 49 आ गए। क्या आपके पास बचा, के माइनस 49। स्टूडेंट्स आप इसको लेट करेंगे, के माइनस 49 इज इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स के का आंसर फाइंड करना है, 49 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो के इज इक्वल 49। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। इसका सेकंड पार्ट जिसे क्या देख रहे हैं, इसमें आपने वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है। क्वेश्चन आपके पास है x4 माइनस 4x³ प्लस 10x² माइनस kx प्लस 9। इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। x4 है तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x² से मल्टीप्लाई किया, x4 आ जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल। माइनस 4x³ प्लस 10x² माइनस kx प्लस 9। x² का डबल करेंगे, 2x² आ जाएगा। x² का डबल क्या हो जाएगा, 2x². अब देख रहे हैं स्टार्ट में माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस लगेगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 4x³ आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स 2x से मल्टीप्लाई करें। माइनस 4x³ प्लस 4x², ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 10 में से 4 माइनस कर दें, 6x² आ जाएगा, माइनस kx प्लस 9। इन दोनों का डबल कर दें, 2x² माइनस 4x। अब देखिए 6x² चाहिए तो प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें।
तो इन सब को 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको करेंगे 6x के रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। तो देखिएगा 6x के माइनस 12x, 12x को बाहर लिखेंगे अब क्योंकि वो उस लाइक टर्म कोई नहीं है, प्लस 9, 12x को स्टूडेंट हम बाहर लिखेंगे, ये माइनस और ये प्लस, आपने देखा ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, माइनस के एक्स प्लस 12x बचा। जी स्टूडेंट्स, आप इसे लेट करेंगे जीरो के इक्वल, लेट माइनस के एक्स प्लस 12x इज इक्वल जीरो, ये आप देख रहे हैं माइनस 12 के एक्स को शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड पे, तो आपने देखा 12x इज इक्वल के एक्स आ गया, x x से कैंसिल हो गया और k का आंसर आपके पास क्या आ गया 12, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया और के का आंसर आपके पास क्या आ गया 12। इस स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम द परफेक्ट स्क्वायर। आपने स्टूडेंट्स एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि ये एक क्या बन सके, परफेक्ट स्क्वायर बन सके। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, एक्स 4, 4x क्यूब, 16x स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम। अब देख रहे हैं स्टार्ट में 4x स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स 4 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम। एक्स स्क्वायर का डबल करेंगे स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें 4 चाहिए, 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्लस 2x स्क्वायर से प्लस 2x, 2x स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा और प्लस 2x से भी मल्टीप्लाई होगा, तो देखिएगा 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर इसका आंसर आ गया, ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 16 में से 4 माइनस कर दें 12x स्क्वायर आ जाएगा, क्या आएगा 12x स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 12x स्क्वायर प्लस lx प्लस m। इसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन का डबल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इनका डबल करेंगे, आप देख रहे हैं डबल करने के बाद इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब आपको 12 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 2x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एक्चुअली मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 12 चाहिए, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 वाले, इनके साइन चेंज कर दिया, आपने देखा ये लाइक टर्म नहीं है, दैट्स वाई आपने इन्हें सेपरेट लिख दिया। ये कैंसिल हो गया, एल एक्स प्लस एम प्लस 24x माइनस 36 माइनस 24x। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आप एक्स एक्स वाली वैल्यूज को सेपरेट कर लेंगे, ये देखिएगा ये एक्स एक्स वाली वैल्यू है, आप लिखेंगे लेट एल एक्स माइनस 24x इज इक्वल जीरो, उसके बाद आप फिर लेट करेंगे विदाउट एक्स जो है लेट एम माइनस 36 इज इक्वल जीरो। एक दफ़ा मेरी बात दोबारा सुनिएगा, एक्स वाली वैल्यूज को स्टूडेंट्स आपने लेट कर ली है सेपरेट करके और विदाउट एक्स वाली वैल्यू को इक्वल जीरो लेट किया है सेपरेट वैल्यूज पुट करके सेपरेट कर। अब आप देख रहे हैं माइनस 24x है, यहाँ आके प्लस 24x हो जाएगा, x x से कैंसिल हो गया, l का आंसर 24 आ गया, ये माइनस 36 है, यहाँ आके प्लस 36 हो जाएगा, आपने देखा l का आंसर भी हमारे पास आ गया और m का आंसर भी आ गया। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आइए इसके नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, फोर्टी नाइन एक्स फोर माइनस 70x क्यूब प्लस 109x स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस माइनस एम।
49x4 है, तो 7x2 से मल्टीप्लाई करें, 49x4 ये कैंसिल हो गया, माइनस 70x3 109x2 प्लस सेल एक्स माइनस एम। आप देख रहे हैं 7 का डबल करेंगे 14 आ जाएगा, 14x2 स्टार्ट में माइनस है, 70 चाहिए तो 40 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5x से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 5x से, तो ये 70 आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, 14x2 को भी और माइनस 5x को भी, तो ये माइनस 70x2 प्लस 25x2 आ जाएगा। इनके साइन चेंज कर देंगे, 84 आ जाएगा एलएक्स माइनस एम। 7x2 माइनस 5x इसका डबल करें, 14x2 माइनस 10x प्लस 6 साथ लगाएंगे, क्योंकि 84 आएगा, 84x2 माइनस 60x प्लस 36। तो इनके साइन चेंज कर दें, एलएक्स एलएक्स माइनस एम प्लस 60x माइनस 36। एक्स वाली वैल्यूज को स्टूडेंट्स आप सेपरेट लेट करेंगे, एलएक्स प्लस 60x इसको सेपरेट जीरो के इक्वल पुट करेंगे और लेट करेंगे माइनस एम माइनस 36 इक्वल जीरो। आपने देखा ये प्लस 60 है, यहाँ के माइनस 60 हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, एल का आंसर माइनस 60 आ गया, एल का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 60। अब आप देख रहे हैं ये एम नेगेटिव है, इसको आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो वहाँ आकर वो प्लस हो जाएगा, 36 माइनस का रह जाएगा और ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो आपने देखा एम का आंसर माइनस 36 आ गया। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट हो गया। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में इसके लॉन्ग क्वेश्चन में आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। टू मेक द एक्सप्रेशन 9x4 माइनस 12x3 प्लस 22x2 माइनस 13x प्लस 12 अप परफेक्ट स्क्वायर, इसके तीन पार्ट्स आगे आप देख रहे हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू इट, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, व्हाट इज द व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, हमारे पास लास्ट पे कुछ बच जाएगा एज आ रिमाइंडर, उसको ही आप प्लस करेंगे, उसको ही माइनस करेंगे, उसी में से एक्स का आंसर फाइंड करेंगे, तो ये सब कैसे होगा आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं। 9x4 माइनस 12x3 प्लस 22x2 माइनस 13x प्लस 12, 3x2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 9x4 चाहिए, तो 3x2 आ जाएगा, 9x4 ये कैंसिल हो गया, माइनस 12x3 प्लस 22x2 माइनस 13x प्लस 12, 3x2 का डबल करेंगे 6x2 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं स्टार्ट में माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा 2x से, तो अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12x3 6x2 को और माइनस 2x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज को और ये प्लस 4x2 आ जाएगा। इनके साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल, 22 में से 4 माइनस करेंगे 18 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे नेक्स्ट वैल्यूज का डबल करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं 3x2 और 2x का डबल करेंगे 6x2 माइनस 4x आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 4x, स्टार्ट में प्लस 3 लगाएंगे क्योंकि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, प्लस 3 ऊपर लगा लिया, तो आप देख रहे हैं इन सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो 18x2 माइनस 12x प्लस 3, इनके साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल, माइनस 13 प्लस 12, माइनस 13 प्लस 12 तो आंसर आ जाएगा माइनस एक्स, प्लस 12 माइनस 3 तो ये इसका आंसर आ जाएगा प्लस 9, इसका 9 आएगा यहाँ, 3 3 था 9 और 3 बचेगा यहाँ,
जी फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्ड शुड बी एडिड, तो स्टूडेंट जब आप ऐड करेंगे इनके साइन चेंज कर देंगे, आप लिखेंगे x माइनस थ्री शुड बी एडिड टू इट। मैंने आपको बताया जब ऐड करेंगे तो इनके साइन चेंज कर देंगे। सेकेंड था वर्ड शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो इसी को आप लिख देंगे माइनस एक्स प्लस थ्री शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। थर्ड वाला देखिएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, आप क्या करेंगे लेट करेंगे लेट माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो, ये माइनस एक्स है इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस थ्री है और ये एक्स माइनस था यहाँ के प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स था वहाँ के क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स एक्स का आंसर भी हमने फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने से एक्सरसाइज 6.3 भी कंप्लीट होगी। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।